असल एवरी वन हाउ यू गाइज उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज वगैरह कर रहे होंगे uh, आप लोगों से काफी से, से राबा मुनक़ा था uh, रिसर्च के हवाले से अब इनशाला दोबारा से शुरू हो गया है बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए हैं आप लोगों के रिसर्च के हवाले से और उनको वन बाई वन इन एड्रेस करते चले जाएंगे इसी सिलसिले में आज जो हमारी वीडियो है वो है स्केल्स के बारे में जिसमें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल स्केल काफी क्वेश्चंस पे थे कि जी ये क्या है और ये किस तरह से है सो so, को कोका मंजूर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जी टीचर ट्रेन एंड लाइफ कोच यू कैन सी माय नंबर यू कैन सी माय ईमेल एड्रेस एंड यूट्यूब वेयर यू कैन हैव अराउंड ऑल फ्री फॉर फॉर यू यू अवेलेबल सो रेडी है जी पेंसिल कॉपी आपके पास होगी एज यूजल और स्टार्ट करते हैं स्केल्स क्या होते हैं स्केल्स हैं जी इट्स अ टूल और मैकेनिज्म बाय इंडिविजुअल्स आर डिस्टिंग्विश्ड एज हाउ दे डिफर फ्रॉम वन अनदर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास मुख्त किस्म का डाटा आता है ठीक है उस डाटा को हम देख रहे हैं कि ये किस स्केल पे है कौन से स्केल पे हमारे पास डेटा हमने किस तरह से लेना है जो रिस्पॉन्स हमने कलेक्ट करने हैं वो उनको वो लोग जो है वो किस तरह से डिफर करते हैं एक से दूसरे से एक एक जो है वो दूसरे से कैसे डिफर करता है।, उस है एज पे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो ये देखिए बहुत सारे लवस बोले हैं लेकिन ये सब एक जैसे वेरिएबल्स नहीं हैं एक जैसे स्केल्स नहीं है ठीक है तो अभी हम इनको समझेंगे कि ये जो चार किस्म के स्केल्स हैं जिनको शॉर्टली नॉयर भी बोला जाता है अगर आप याद रखना चाहते हैं तो जैसे वो क्यूँ मोबाइल की एक्सपीरियस आई थी, थी नोयर की आई एम नॉट प्रोमोटिंग क्यू मोबाइल बेसिकली बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेम्बर इट एन ओ आई आर तो आपको ये याद रहेगा इनको मेजरमेंट स्किल्स भी कहते हैं इनको रैंकिंग uh, स्किल्स भी कहते हैं ठीक uh, है एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रेटिंग स्किल जो कि हम इन शाह अगली वीडियो में बताएँगे जिसमें मुख्तफ किस्म की रेटिंग स्किल्स हैं डाइकाटोमस है और uh, क्या कहते हैं लिकट स्केल हो ये सारी चीज़ें हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस होगी ट इज नॉमल स्के होता है जी नॉमिनल स्के आप समझ लें अः ये सबसे ऑर्डिनरी सबसे लोअर लेवल का स्केल इसको कहते हैं जिसमें हम सिर्फ जो हमारे अंडर स्टडी वेरिएबल्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं या इंडिविजुअल हैं कुछ भी हमारे जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम सिर्फ क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स के अंदर मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट्स को स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं आपने उनको कहा जी हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स तो हमने क्या किया क्लासीफाई कर दिया यानी फीमेल्स ए क्लास मेल्स अलग क्लास इसी तरह हम ये जानना चाहते हैं कि यार कितने मुस्लिम्स हैं कितने नॉन मुस्लिम तो हमने क्लासिफाई कर दिया या हम ये जानना चाहते हैं कि कितने पाकिस्तानी हैं कितने नॉन पाकिस्तानी तो हमने क्लासिफाई कर दिया तो इस तरह से जब हम क्लासिफाई करते हैं उसको तो हम कहते हैं नॉमिनल स्किल ठीक है सो एग्जाम्पल ऑफ द वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे जेंडर है कंट्री है रिलीजन है एथनिसिटी है स्टेट ऑफ रेजिडेंस है कौन इस शहर में रहता है कौन इस शहर में नहीं रहता है वगैरह वगैरह तो आपने देखा होगा अक्सर क्वेश्चन एयर के जो बिगिनिंग में जगह अगर कभी आपको क्वेश्चन बनाने का या फिल करने का तफाक हुआ तो शुरू के जो चंद दो तीन सवाल होते हैं उसमें इसी तरह के हो जाएंगे जी आप मेल हैं फीमेल हैं आप मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम हैं आप इस शहर में रहते हैं नहीं आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या नहीं आप इस डिपार्टमेंट में हैं या इस डिपार्टमेंट में ठीक है तो ये हमारे पास नॉमिल इसमें हम क्या करते हैं रिस्पोंडेंट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जैसे मेल फीमेल है तो अब आप इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं कि मेल को फॉर एग्ज़ाम्पल एक फीमेल को दो या फीमेल को एक मेल को दो कोई आप नंबरिंग कर सकते ज़ीरो वन भी कर सकते हैं वन टू भी कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारे पास नॉमिनल इसी तरह आपसे अगर कोई रिसर्च कर रहा है कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी में तो उसका क्वेश्चन एयर में ये भी हो सकता है कि जी आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आपको ऑप्शन दिया होगा तो आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो फर्स्ट को टिक कर देंगे सेकंड में है तो सेकंड को टिक कर देंगे यानी देखिए इस वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं इस स्केल में हम सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं कि जी इतने हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं इतने सेकेंड के हैं इतने थर्ड के हैं वो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इस स्केल के होते हैं इसे कहते हैं ये दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अच्छा इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि यार ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सादा से लफ्जों में मतलब ये है कि अगर आप इसमें से एक सेलेक्ट कर लें तो दूसरा नहीं कर सकते जाहिर आप यही कहेंगे ना कि जी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ तो इसका ये तो नहीं कहेंगे जी मैं थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ थोड़ा सेकंड सेमेस्टर में हूँ थोड़ा थर्ड में हूँ तो या फर्स्ट में होंगे या सेकंड में या थर्ड में इसी तरह आप या मेल होंगे या फीमेल होंगे आप चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसजेंडर्स को भी रखा जा रहा है तो उनका भी आप डाल सकते हैं कि जी, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तो थर्ड कैटेगरी तो वो कोई उसको चूज कर सकते हैं तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि एक आपने चूज कर लिया तो अब आप किसी और को चूज नहीं कर सकते कलेक्टिवली एग्जॉव का मतलब ये है कि एक बार ऑप्शन चूज हो जाता है तो अब ये क्वेश्चन आपका एग्जॉस्ट हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कुछ चूज कर सकते हैं इसमें से कुछ चूज नहीं कर सकते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक ले लिया तो दूसरा नहीं ले सकते और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब है कि वंस यू द ऑप्शन नो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आप इसको भी सिलेक्टेड हम फिर आगे उसमें पढ़ेंगे उसमें ऑप्शंस भी होते हैं लेकिन इसमें ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है आपने एक बार कह दिया जी मैं थर्ड में हूँ तो बस आप आप थर्ड सेमेस्टर में अब आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं फोर्थ में हूँ एक बार आपने क्वेश्चन को आंसर कर देना एक कैटेगरी में आप फॉल करेंगे और इसमें क्या निकाल सकते हैं हम जो आपके पास डेटा होगा बर्थ उसकी फ्रिक्वेंसीज मालूम कर सकते हैं या परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं ठीक है तो आ, कितने लोग जो है वो हमारे पास हम लेट्स सपोज सौ लोगों से पूछा तो पचास लोगों ने काम फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीस ने काम थर्ड में है दस ने कहा सेकेंड में है और इसी तरह बाकी लोगों ने कहा हम फोर्थ में तो ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी अब आप चाहें तो इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि थर्टी परसेंट ने ये का ट्वेंटी परसेंट ने ये का अगला जो स्केल है हमारे पास वो है सॉरी अगला जो स्केल है वो हमारे पास है ऑर्डिनल स्केल अब इसके अंदर नॉमिनल स्केल की प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं और इसमें एक एडिशनल चीज हमें मिलती है कि हम रैंक भी कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी बता सकते हैं कैसे बता सकते हैं अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये चार पांच शहरों के नाम है तो आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जी ये पांच शहर हैं इसमें से अच्छा ये नंबरिंग तो मैंने वैसे दे दी है वरना नॉर्मली नंबरिंग नहीं दी हुई होगी ठीक है नंबरिंग आपने देनी होती है आंसर में तो या आप रिस्पोंडेंट को कहते हैं दे दें तो आप कहते हैं जी पांच शहरों में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है तो वो फॉर एग्जाम्पल क्या है जी पिवर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है दूसरे नंबर पर मुझे कराची पसंद है तीसरे नंबर पर लाहौर है चौथे नंबर पर इस्लामा पाँचवें नंबर पर या कोई भी नंबरिंग वो दे सकते हैं तो ये बेसिकली आप देखें इसमें हमने कैटेगरीज भी बना दी और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी डाल दिया अब ये स्केल उससे थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है कि जिसमें हम ये पूछते हैं कि जी अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो

तो ये नॉर्मली स्टडीज़ उन स्टडीज़ में ज़्यादा ऑर्डिनल स्केल यूज़ करते हैं जहाँ पे हम ब्रांड्स प्रेफरेंसेस देखना चाहते हैं अक्सर आपने देखा होगा लोग रिसर्च करते हैं अगर आप ऐसी कोई रिसर्च करना चाहते हैं कि आप किसी ब्रांड प्रेफरेंस को चेक करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना चाहते हैं कि मोबाइल पाकिस्तान में लोग किस मोबाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आप उसमें ऑप्शन दे देंगे जी आ, सामसंग है क्यू है हवाए है और एयरटेल है और जितने भी हैं ठीक है तो हर बंदा अपने उसके सामने देख जी नंबर पे मैं इसको लेता हूँ आईफोन वगैरह ऐड करके तो जितने भी मोबाइल हैं आठ पाँच सात कंपनीज आप उनको दे सकते हैं तो ये नॉर्मली कंपनीज इस तरह से स्टडीज भी करती हैं ठीक है थीके? तो ये हो जाएगा सो दिस टाइप ऑफ स्केल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन मोर और लेस ऑफ एन एट्रीब्यूट इसी तरह जॉब के हवाले से भी आप कर सकते हैं कि जी आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में ये चार चीज़ों में से सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को आ, मतलब आ, फैसिनेट कर रहे हैं उसमें ग्रोथ है उसमें सैलरी है उसमें कलीग्स हैं इन्वायरमेंट है ठीक है थीके? तो आप कहते हैं यार मैं ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा अच्छी जो मुझे बात लगती है कि यार में ग्रोथ के चांसेस हैं तो आप ग्रोथ को नंबर वन कर देते हैं नंबर टू पे आप सैलरी कर देते हैं नंबर थ्री पे आप कुछ और कर देते हैं ठीक है तो ये रिसर्च इस तरह से ऑर्डीन स्के यूज होते हैं अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है कि हमें रैंकिंग तो पता लग जाती है लेकिन मैग्नीच्यूड नहीं पता लगता अब मैग्नीच्यूड क्या होता है मैग्नीच्यूड कि एक से दूसरे के दरमियान जो फर्क है वो कितना है डिस्टेंस कितना है मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मुझे सबसे नंबर एक पे जो पसंद है वो शहरों की अगर हम बात कर ले तो जी हम कहते हैं जी इस्लामाबाद मुझे सबसे नंबर एक पसंद दूसरी प्रेफरेंस क्या है दूसरी प्रेफरेंस मुझे कोई और शहर पसंद ही नहीं है हमेशा तो मैं कहता हूँ जी लेट सपोज दूसरा जो है वो शहर कोई भी हम नाम ले, ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पिंडी है तो हम कहते हैं कि जी ये तो आप वो पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पता नहीं लग रहा कि मुझे इंतहाई ज्यादा इस्लामाबाद पसंद है और इंतहाई कम पिंडी पसंद है फॉर एग्जाम्पल तो ये क्या हो जाएगा अब ये फ़र्क नजर नहीं आएगा उसमें बस ये कि डिस्टेंस नजर आ जाए आपने एक नंबर पे ये शहर दिया दूसरे नंबर पे ये तीसरे पे ये चौथे पे ठीक है तो ये मैग्नीट्यूड नहीं पता लगता तो थर्ड अच्छा इसमें क्या है इसमें क्या मालूम कर सकते हैं फ्रिक्वेंसीज आ सकती हैं मीडियन आ सकता है मोड आ सकता है यानी मोड क्या होता है मोस्टली अकर्ड तो जब आपने सौ लोगों से पूछा जी कौन सा मोबाइल आपको सबसे ज्यादा पसंद है तो उनमें से लेट सपोज मिसाल के तौर पे पचास लोगों ने कह दिया जी हमें सैमसंग पसंद है तो इसका मतलब अब है मोड आपने मालूम कर लिया कि सौ में से पचास लोगों को अगर सैमसंग पसंद है तो बाकी पचास लोगों को किसी को क्यों होगा किसी को हवावे होगा किसी को आईफोन होगा किसी को क्या इसी तरह आप मीडियन निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह ठीक है थर्ड लेवल पे जो स्केल है मोर एडवांस लेवल वो है इंटरवल स्केल मोस्ट कॉमनली यूज इन मैनेजमेंट साइंसेज सोशल साइंसेज एंड एजुकेशन एट्सेट्रा ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्पेशली जब हमारे पास वेरिएबल सब्जेक्टिव होते हैं सब्जेक्टिव वेरिएबल्स क्या है ये मैंने एक वीडियो बनाई थी आप जरूर देख लीजिएगा उसमें था ऑपरेशनलाइजेशन या मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्टिव वेरिएबल ठीक है तो वो यूट्यूब पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा तो वो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि सब्जेक्टिव वेरिएबल्स क्या हैं तो बहरा शॉर्टली मैं आपको बताता हूँ जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन है ठीक है या मोटिवेशन है तो आप मोटिवेशन को कैसे मैयर करेंगे उसके लिए हम छोटे छोटे फिर क्वेश्चन बनाते हैं या स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उस पर हम फिर स्केल ले लेते हैं कि जी फॉर एग्जाम्पल आपका सुपरवाइजर आपका ख्याल रखता है तो आप अगर इस बात से एग्री नहीं करते बिल्कुल तो आप नंबर वन कर देंगे उसको थोड़ा डिसएग्री करते हैं तो आप टू कर देंगे आपको पता ही नहीं है कि, कि आप इससे इनडिफरेंट हैं तो आप थ्री कर देंगे आप फोर आप कहते नहीं यार हाँ ख्याल तो रखता है तो आप फोर उसको दे देंगे या अगर आप कहते हैं यार बहुत ज्यादा ख्याल रखता है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल मेरे पे फिट आती है तो आप उसको फाइव नंबरिंग दे देंगे तो इस तरह की स्केल्स हम यूज़ करेंगे इसके अंदर ये इंटरवल स्केल्स होते हैं जिसमें एक के दरमियान फ़र्क होता है ये सब के दरमियान इक्वल फर्क है एक से दो दो से तीन तीन से चार चार से पाँच ठीक है तो हम पाँच ले लेते हैं छः ले लेते हैं सात ले लेते हैं कुछ भी ले लेते ले हैं ले ठीक है तो ये हमारे पास आ जाता है इंट सो इट कंटेन इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ऑर्डिनल स्केल स्केल इसके अंदर वो ऑर्डिनल की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं प्लस एक एडिशनल बेनिफिट क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी पता लग रहा है पिछले में हमें नहीं पता लग रहा था लेकिन अभी हमें पता लग रहा है कि जी स्ट्रॉन्गली एग्री और जिस एग्री में भी जो फर्क है फिर नई दीदर में तो पता लग रहा है कि ये बंदा अगर दो पे आ रहा है दो से तीन पे तीन से चार पे आ रहा है तो उसके एटीट्यूड का पता चल रहा है ठीक है तो ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है मैनेजमेंट साइंसिस के अंदर इंटरवल स्केल तो आपकी ज्यादातर जो स्टडीज होंगी अगर आप सोशल के स्टूडेंट हैं एजुकेशन के हैं या मैनेजमेंट वगैरह के हैं तो मोस्टली सब्जेक्टिव वेरिएबल्स हम लेते हैं उसके अंदर एच आर के मार्केटिंग के वगैरह तो उसमें ये इंटरवल स्केल बहुत ज्यादा यूज होता है आपने ये अक्सर कोश्चन ईयरस के अंदर ये चीज़ें देखी भी होंगी अब इसके स्टेटिस्टिक्स क्या क्या कैलकुलेट हो सकते हैं मीन हो सकता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन हो सकता है वेरियंस हो सकता है कोफिशंट ऑफ वेरिएशन टी टेस्ट एफ टेस्ट ये सारा कुछ आप लगा सकते हैं निकाल सकते हैं कि जी हमने सौ लोगों से पूछा कि जी आ उनकी मोटिवेशन के बारे में तो हमें उनका जो एवरेज स्कोर निकल के आया वो फोर है तो इसका मतलब है फोर के करीब है तो इसका मतलब है ज़्यादातर लोग मोटिवेटेड हैं इसी तरह स्टैंडर्ड भी निकाल सकते हैं वेरी तो ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर में भी निकल आता है एक्सेल में भी निकल आता है कोई इतनी मुश्किल नहीं है ठीक है और इस पर फिर आप बाद में रिग्रेशन को टी टेस्ट ये सारी चीजें भी लगा सकते हैं तो अगर आपका डाटा इंटरवल स्केल पे है तो आप फिर ये सारी आ, सारी लगा सकते हैं आपसे इवन वाइवा वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि जी आपने इसमें मीन क्यों नहीं निकाला तो आपको पता होना चाहिए कि यार इंटरवल स्केल में मीन निकलता है अगर आपसे कोई ऑर्डिनल में आपने आपका डेटा था आपने मीन नहीं निकाला तो आप उसे कह सकते हैं सर ऑर्डिनल में मीन नहीं निकलता नॉमिनल में हम मीन नहीं निकालते तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वो जानबूझ के आपसे अवैवा में करते हैं अच्छा जी आपका तो ऑर्डिनल नॉमिनल पे डेटा था तो आपने इसकी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन क्यों नहीं मालूम की तो आप कहेंगे सर नॉमिनल डेटा पे हम सिर्फ कैटेगरीज बनाते हैं उसमें तो हम सिर्फ निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड उसमें हम नहीं निकालते हैं। तो उसको पता चल जाता है सुपरवाइजर को या वाइवा के जो टीचर्स बैठे होते हैं उनको पता होता है कि इस बंदे को या इस बंदी को कुछ ना कुछ मालूम है तो ये चीजें आपको इसलिए भी समझा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको वाइवा में भी या डिफेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है तो ये क्या है इसमें क्या था डिफरेंसेस हैं ऑर्डर्स हैं क्वालिटी ऑफ मैग्नीट्यूड है ये मैंने आपको बता दिया इसको पावरफुल स्केल समझते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल के मुकाबले तो आप देखें जिस तरह जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सबसे कम दर्जे का स्केल नॉमिनल था फिर उससे एडवांस ऑर्डिनल स्केल हुआ उसमें मजीद यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी एड हो गया फिर हमारे पास आगे इंटरवल जिसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है और ये सारे स्टेटिस्टिक्स भी हम लगा सकते हैं फोर्थ लेवल जो आई एस लेवल है उसे कहते हैं रेशो स्केल रेशो स्केल इज अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्केल इसके अंदर वो जो हमारा प्रॉब्लम uh, था इंटरवल स्केल का कि इंटरवल स्केल में हमारे पास एक प्रॉब्लम था वो ये था कि ये जो नंबर्स हैं वन टू थ्री ये आर्बिट्ररी हैं इसको आप यूं भी कर सकते हैं पाँच छः सात आठ नौ दस तो ये हम हाइपोथेटिकल होते हैं हमने खुद से नंबर बनाए होते हैं ठीक है तो जबकि रेशो स्केल में ऐसा नहीं है रेशो स्केल में हम ओरिजिनल नंबर लेते हैं एप्सुलूट वैल्यूज लेते हैं तो ये एडवांस लेवल का स्केल लेते हैं जैसे इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास वेट है हाइट है सेल्स है प्रॉफिट है एज है इनकम है अब अगर किसी की एज 40 है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाइपोथेटिकल है यानी फर्जी है भाई 40 है तो 40 ही है ठीक है ना अगर किसी के नंबर 50 आए हैं तो 50 ही हैं हम ये नहीं कह सकते कि यार हाइपोथेटिकल या है जैसे हमने इंटरवल स्केल में कहा कि आपने हमने स्ट्रांगली एग्री को डिस वन कर दिया डिसग्री uh, को वन कर दिया और समवट डिस को टू कर दिया न्यूट्रल को थ्री कर दिया ये हमने खुद से नंबरिंग लगा ठीक है ये आर्बिट्रेरी होते हैं ठीक है जबकि रेशो स्केल के अंदर इसमें आर्बिट्रेरी नहीं होते सब ओरिजिनल वैल्यूज होती हैं और ये क्या होते हैं इसको कहते हैं एप्सुलूट वैल्यूज इसीलिए हम कहते हैं मीनिंगफुल जीरो पॉइंट यानी अगर किसी की इनकम जीरो है तो ये एग्जैक्टली exactly जीरो का मतलब जीरो ही है जब मैं हमने वहां पे कहा था आपको याद होगा नॉमिनल स्केल में मैंने बात करते हुए कहा कि हम मेल को जीरो और फीमेल को वन कर सकते हैं या फीमेल को जीरो और मेल को वन नंबर दे सकते हैं तो ये हमने देखें खुद से नंबरिंग बदला दी तो जीरो का मतलब ये नहीं है कि मेल जीरो हो गया या फीमेल जीरो हो गई नहीं एक आर्बिट्रेरी नंबर दे दिया जबकि यहाँ पर इनकम अगर जीरो है तो उसका मतलब है जीरो अगर एज दस साल है तो उसका मतलब है दस साल तो यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर और स्टेटिस्टिक्स कौन से लगते हैं वही जो इंटरवल में लगते हैं मीन भी निकल सकता है इसका मीडियम भी निकाल सकते हैं मोड भी निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं टेस्ट भी सारे इस पर लगा सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं सो लेट्स कंक्लूड वट वीर स्टडीड सो फॉर वी हैव हैल डेटा जिसमें हमारे पास कैटेगरीज होती हैं ठीक है थीके? हम मेल फीमेल कर लेते हैं या कहते हैं या आप कौन से सेमेस्टर में हैं या कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो चार डिपार्टमेंट में से किसी एक डिपार्टमेंट का नाम लिख देगा ठीक है ऑर्डिनल्स डेटा में हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी रैंकिंग भी हो जाती है और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी हो जाता है कि कैटेगरीज भी बन गई और ये भी पता चल जाएगा कि इसकी प्रेफरेंस किस पे है फिर मज़ीद एडवांस लेवल अब ये देखिए मोस्टली क्वालिटेटिव डेटा इधर डील कर रहा है हम से क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं अब आप मेल हैं तो एक क्वालिटी है फीमेल हैं तो एक क्वालिटी है आपकी आंखों का कलर ब्राउन है ये क्वालिटी है ब्लैक है ये क्वालिटी है तो हम लिख देते हैं योर आई कलर्स ब्लैक ब्राउन और ग्रीन ब्लू तो आप इसमें से कोई एक टिक कर देंगे इसी तरह ऑर्डिनल में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस था इसमें भी शहरों के नाम है डिपार्टमेंट्स के नाम है सब्जेक्ट्स के नाम है रिलीजन का नाम है कुछ भी है उसमें आप प्रेफरेंस बता रहे हैं जी मुझे टॉप नंबर पे ये पसंद है सेकंड नंबर पे तो ये क्वालिटेटिव डेटा हो पर मोस्टली ठीक है डिफरेंसेस बिटवीन मेजरमेंट बट नो ट्रू जीरो इंटरवल स्केल में क्या होता है हमारे पास रैंकिंग भी है ऑर्डर प्रेफरेंस भी है और हमारे पास क्या है मैग्नीच्यूड भी आ जाता है लेकिन ट्रू जीरो नहीं होता यानी हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वन टू थ्री वो ओरिजिनल नहीं होती आर्बिट्रेरी होती हैं तो देखिए बहरहाल नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास तो एक क्वान्टिटेटिव डेटा हो जाता है और रेशो में एग्जैक्ट हमारे पास एबसोलूट वैल्यूज होती हैं ट्रू जीरो है, है यानी जो अगर दस है तो दस का मतलब दस ही है वो बीस नहीं हो सकता अगर चालीस है वेट हाइट एज वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम ठीक है ना ये सारी चीज़ें तो ये इसमें आ जाती है तो ये इस तरह से ये कह लें कि ये तरतीब है लोअर लेवल फिर अपर फिर उससे अपर फिर उससे अपर सो दैट्स ऑल अबाउट होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट इनशाला कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आई होप कि आपको समझ आ गई होगी आपको मेरा ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी सपोर्टिंग मी राइटिंग टू मी एंड आई एम रियली के फॉर योर प्रेयर्स एंड एंड ऑल थिंग्स। थैंक यू सो मच टेक केयर